दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय सुडिकेन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखेंगे जिसके माध्यम से आप आर्टिकल को आसानी से पहचान पाएंगे। आपसे आर्टिकल में इसके बाद कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। जैसे आप देखें कि इन अ गुड कंडीशन या इन अ बेड कंडीशन, अच्छे कंडीशन और बुरे कंडीशन के साथ आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि इन गुड स्टेट, स्टेट की बात करें, अवस्था की बात करें, या बैड स्टेट, दोनों हो, अच्छा अवस्था हो या बुरा अवस्था हो, वहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे। कंडीशन में आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे जबकि अवस्था में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माई शूज वेयर इन गुड कंडीशन, देखिएगा यहाँ पर कंडीशन की बात की जा रही है तो यहाँ आपने ए का प्रयोग नहीं किया है। द नावल ऑफ यूअर शॉप स्टेल वेयर इन अ बेड और गुड स्टेट, यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपने ए का प्रयोग किया हुआ है। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे, कंडीशन की बात की जाएगी तो आप ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि स्टेट की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। हेल्थ, होमवर्क, वर्क, पेपर, मैरिसी, पीटी, न्यूज़, पे, सेफ्टी, शॉप, ट्रेवल, वेदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ रखेंगे, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अतः इसके पहले ए या एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन रहे जैसे कि हेल्थ, होमवर्क, वर्क, पेपर, इनके पहले आप ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि आंसर, बोर्ड, सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट, पेपर जिसमें समाचार पत्र की बात की जा रही हो, हॉलीडे और लेसन, मॉर्निंग, हिस्टोरियन, रेस्ट, सिटी, ये जो है काउंटेबल नाउन है, इसके अंतर्गत आप इसके पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखें, राजेश वेंट्स टू बिकम अ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। दे गॉट इनटू अ बोट, बोट काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए का प्रयोग। I must give an answer to the question. आंसर है, उसके पहले हम एन का प्रयोग किए हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो वॉवेल है। You should take have a rest for an hour. यहाँ पर rest के पहले ए का प्रयोग हम कर रहे हैं क्योंकि rest जो है countable noun है। Everybody needs a holiday. Holiday के पहले ए का प्रयोग क्योंकि holiday जो है countable noun है। दीपक वेंट आउट ऑन सच अ कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड मॉर्निंग काउंटेबल नाउन है, कोल्ड, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। इट वॉज बेड वेदर, देखिएगा वेदर की बात किया जा रहा है, वेदर काउंटेबल नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किए हैं। इट वॉज अ बेड क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है काउंटेबल नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किए हैं। अगर किसी नाउन से किसी डेफिनेट वस्तु का बोध होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जैसे राजेश हैज टेकन द हैबिट ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, तो हैबिट निश्चित है। आई हैव अ डॉग एंड द डॉग इज ब्रेक, तो आई हैव अ डॉग एंड डॉग क्या है, निश्चित है। उसका कलर कैसा है, निश्चित है, वो कैसे रंग का है, काले रंग का है, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। शीला हिट हिम ऑन द नोज, नोज क्या है, निश्चित है, इसके पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। द स्काई, द सी इज ब्लू, तो स्काई कैसा है, नीला है, और समुद्र कैसा है, नीला है, तो स्काई जो है निश्चित है इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग किए हैं। तो किसी सेंटेंस में आपको निश्चित होने का भाव दिखे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। प्ले लर्न लाइक वर्ब के बाद यदि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तो आप उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई प्ले द हारमोनियम, तो
तो हारमोनियम के पहले द का प्रयोग, राकेश लर्न द पियानो, पियानो के पहले द है, दे लाइक द हारमोनियम, यहाँ पर आप देखेंगे प्ले लर्न लाइक जैसे वर्ब आया तो आप क्या द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देखे ही इज द टॉलेस्ट बॉय हियर, जब भी सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव के पहले आता है तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में कुछ ऐसे एग्जेक्टिव है जिसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का अर्थ प्यूरल होता है। देखिएगा यहाँ पर द डेड, डेड पीपल, ऑल डेड पीपल, इसके पहले आप क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे, द थीप, द ब्लाइंड, द सिक, द पुअर, द ओल्ड, द रिच, द अनएम्प्लॉयड, द हैंडीकैप्ड, द मेंटली इल इटीसी, इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। मैनकाइंड, नेचर, सोशलिटी, मैन, जब आप जर्नल विडेस्ट अर्थ में होता है तो आप इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लगाएंगे जैसे कि मैन इज मोर्टल, एवरीवन हैज टू लर्न टू लिव इन सोसाइटी, वी वेंट टू कश्मीर एंड एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर देयर, ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। तो ऐसे वाक्यों में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। द पोस्ट, द जॉब, रैंक, पोजिशन प्लस ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। देखिएगा द पोस्ट है, जॉब है, रैंक है, पोजिशन है और ऑफ है, उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए अंजू वाज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, नदियों के नाम के पहले तथा शरीर के अंग पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे बॉडी, आर्म, लेग, बैक, मसल्स आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा इज हॉली रिवर, स्पोर्ट मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, गेम्स मेक द आर्म स्ट्रॉन्ग, वाइल बॉक्सिंग मेक द बैक स्ट्रॉन्ग, गेम्स के नाम के पहले जैसे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी आदि के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ध्यान रखेंगे। विल यू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टेनिस, हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल इन योर स्टूडेंट लाइफ, गो टू द सिनेमा, थिएटर, पिक्चर्स, ऑफिस, सर्कस लिखा जाता है, जबकि ही इज एट ऑफिस, जैसे देखे ही वेंट टू द थिएटर, डू यू लाइक टू गो टू द पिक्चर, हिज वाइफ वेंट टू द मूवीज, हिज फादर वेंट टू द ऑफिस एट 10, बिफोर, आफ्टर, एट, सनराइज, सनसेट के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी त्यौहार है, फेस्टिवल है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते। दिवाली इज एन हैप्पी फेस्टिवल, होली फॉल्स इन मार्च, ही एंड हिज सिस्टर कम हियर एट क्रिसमस, आर्म फोर्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है, माई ब्रदर रिटायर फ्रॉम द एयरफोर्स, ही ज्वाइन द नेवी, मिस्टर राजू इज इन द आर्मी। होम तथा किसी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ही रिच्ड होम, ही फेल इन फिजिक्स, ही इज गुड एट हिस्ट्री, राजेश रिटर्न फ्रॉम होम, ही इज बेड एट इकोनॉमिक्स। तो कोई भी सब्जेक्ट की बात की जाए या घर की बात की जाए वहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जब पढ़ने या पढ़ाने के लिए स्कूल या कॉलेज जाया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। ही गोज टू स्कूल एवरीडे, माई फादर गोज टू कॉलेज एवरीडे, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया है और इसे आप याद रखेंगे। जब किसी प्यूरल नाउन का प्रयोग किसी खास अर्थ पार्टिकुलर सेंटेंस में किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें द बुक कॉम दैट यू गेव मी आर वेरी फाइन ब्लैक, परंतु यहाँ पर हम देखें कि प्लूरल नाउन का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखें कार्स आर मेड इन चाइना, बॉयज लाइक स्वीट्स एंड बटर, नेम्स ऑफ मील्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु कोई स्पेशल मीन्स है तो हम वहाँ पर
एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इन्वाइटेड मी टू लंच, दे हैड ब्रेकफास्ट लास्ट नाइट, दे वर इंजॉइंग डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द मिनिस्टर। मिनिस्टर के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। टेलीफोन एक काउंटेबल नाउन है, किंतु बाई टेलीफोन एक आइटम है। इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि रेडियो तथा वायरलेस के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखे, डस राम इवर लिसन टू द वायरलेस, माई फादर इन लॉ टॉक टू मी बाई टेलीफोन, वी हियर सॉन्ग ऑन द रेडियो इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो के पहले द का प्रयोग किया जा रहा है, और बाई टेलीफोन यदि लिखा है तो उस अवस्था में हमने द का प्रयोग नहीं किया है। द का प्रयोग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट के पहले किया जाता है। जैसे दे डू देयर वर्क इन द मॉर्निंग, द फार्मर रेड्स इन द आफ्टरनून, द चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग। परंतु बाय डे, बाय नाइट, ऑन फुट, एट नाइट का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते। जैसे द सन शाइंस बाय डे एंड नॉट बाय नाइट, ही कम हियर ऑन फुट, सी वेंट टू हर हाउस एट नाइट। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। रोजगार के अर्थ में एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जबकि जॉब एक काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। USA, UK, USSR के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट टू द USA, सी कम फ्रॉम द USSR। सामान्यतः टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।